नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच क्राइम टीवी न्यूज़। मैं इमरान इश्तियाक खान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माने जाने समाज सेवक दिस्ताक मोमिन साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आए दिन नगर पालिका वालों की लगाई रहती है। ठीक है, आज इनका मकसद ये है कि वाटर सप्लाई वाले, इन्होंने एक माइती लिया था जिसमें माइती में आयोग तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने भिवंडी वासियों को स्वच्छ पानी दिया। मैं दिलसाद मोमिन साहब से जानना चाहता हूं कि नगर पालिका वाले इनको जवाब में क्या दिए कि कितना परसेंट स्वच्छ पानी भिवंडी की जनता को देते हैं। दिलसाद भाई, आज हमारे स्टूडियो के जानिब से आप भिवंडी की जनता को बताइए कि आपने नगर पालिका में क्या क्या माइती निकाला पानी पुरोठा के विभाग के चलते, और उसमें आपको क्या जवाब मिला। मैं भिवंडी की जनता को बताना चाहता हूँ, जो पानी पुरोठा डिपार्टमेंट है, ये भिवंडी की एक बहुत अहम है, क्योंकि जनता को पानी चाहिए। और हमेशा यही हुआ है कि भिवंडी की जनता को पानी मिला नहीं है। कुछ सालों पहले, नहीं एक दो साल पहले टंकरों से पानी दिया जाता था। उसके कारण क्या है कि 2007 में इनको 14 टाकिए लोगों ने बनाए थे, जिसकी मैंने मालूमात लिया। उसके बाद मालूमात में इन्होंने 14 टाकी बताए, फिर इन्होंने 14 टाकी इनको 2013 तक पूरा मुकम्मल करना था। इन्होंने इसका ठेकेदार ने अपना करारनामा में लिखा है, करारनामे में बाकायदा इन्होंने लिखा है कि हमने 90% काम पूरा कर चुका है। अगर ये पूरा कर चुके हैं, अगर काम टाकी नहीं चालू करते 2013 तक, तो प्रतिदिन 50,000 रुपया फाइन इन्होंने लिख के दिया 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे। आखिर इनके ऊपर फाइन क्यों नहीं लगी? दूसरा, 14 टाकी जो बनी थी अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? आज 2021 चल रहा है, 8 साल हो गए, 2013 में चालू होना था। मैं कॉरपोरेशन के सभी नगर सेवक से भी पूछना चाहता हूँ कि जब इनको लोक आयोग ने हवाल मांगा है आयोग से कि आखिर इसका जवाब दो कि टाकी चालू क्यों नहीं हुई, ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे। अब जब टाकी चालू होगी तो कोई नगर सेवक या कोई महापौर इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में ना रहे, क्योंकि कार्रवाई मैंने शुरू कर दिया है। और 27 मई को लोक आयोग ने इनको हवाल मांगा है आयोग से, कॉरपोरेशन के, अगर ये जवाब अभी तक नहीं दिए। लेकिन और इसके बाद लोक आयोग में पानी पुरोठा जवाब देता है कि हम भिवंडी की जनता को स्वस्थ पानी देते हैं। अब बताओ स्वस्थ पानी कहाँ देते हैं? हमारे पट्टे में तो पूरा पीला पानी आता है। कितने परसेंट इलाके में स्वस्थ पानी दिया जाता है? इनके पास फिल्टर प्लांट कितने हैं वो बता दीजिए। साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि 2013 के बाद ईदगाह रोड की टाकी चालू हुई, 2013 के बाद ईदगाह रोड की टाकी चालू हुई, तो उसका श्रेय किसके ऊपर गया, महापौर के ऊपर या एरिया के नगर सेवक के ऊपर? देखो, इलेक्शन से पहले हमारे ईदगाह की टाकी ना चालू हो चुकी थी। सभी नगर सेवक रात में 1 बजे आके ओपनिंग करते थे, कोई 3 बजे आके करता था, कोई शाम में 5 बजे आके करते थे, कोई आके नारियल फोड़ता था। तो मुझे शर्म आती है कि पानी तो हमको 2018 में मिला, टाकी चालू हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी टाकी इतनी लीकेज है कि कभी भी फट सकती है। उसकी रिपेयरिंग के लिए हमने लोक आयोग को बाकायदा उसमें हवाल दिया है कि कितनी टाकियाँ लीकेज है। और जो रही फातिमा नगर और भी जो इलाके में टाकियाँ बंद है, जो टाकियाँ बंद है इंशाल्लाह बहुत जल्द चालू होगी, और इसमें कोई नगर सेवक की क्रेडिट लेने की वो नहीं रहेगी हैसियत, ना फोटो खिंचाने की हैसियत रहेगी। और कोई अगर ये हरकत करेगा तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं। आपसे, आपने अभी कुछ बोला आपको कि कोई कितनी भी टाकियाँ 2, 4, 6 जो भी होगी वो लीकेज पड़ी हुई हैं, अगर उससे कोई हादसा होता है उसका जवाबदार कौन होगा? मैंने 2-4 नहीं, मतलब ईदगाह रोड की एक टाकी लीकेज है, और भी टाकियाँ जो ऐसे लीकेज होंगी जो बंद पड़ी है, उसके कारण क्या है बंद रहने की, वहाँ के इलाकों में टाकियाँ चालू क्यों नहीं हो रही है? जो इनके पास 74,49,00,000 रुपया पानी का टाकी बनाने का था, सारे पैसे खत्म हो गए, और क्या ठेकेदार को बिल दे दिया गया? अभी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर उन्होंने एक नई मालूमात लिया था, बाकायदा देखो इसमें लिखा है ये कितनी कितने लीटर इनको टाकी में पानी दिया जाएगा, ये पूरी इसकी लिस्ट है। उसके बावजूद आखिर पानी क्यों नहीं मिलता शहर में? और जो रईस शेख इनको पानी पुरोठा को 2 MLT पानी बढ़ाने के लिए कुछ फंड भी दिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन के पास टोटल 42 MLT पानी है। अगर ये 14 टाकी चालू हो जाती तो 25 MLT पानी से पूरे भिवंडी के अंदर पूरा पानी पानी हो जाता, जिससे लोगों की तकलीफ खत्म हो जाती। लेकिन इसको सियासत के नाम पर इसको चलाया जा रहा है, और कॉरपोरेशन को बदनाम किया, कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोकने के लिए मैंने लोक आयोग गया हूँ कि आखिर इतनी निधियाँ आती है, करोड़ रुपए का जो टेंडर निकलता है वो पैसे जाते कहाँ है, और काम पूरा क्यों नहीं होता है? इसी तरह डेनिश लैंड का भी मसला है, पूरे भिवंडी के अंदर डेनिश लैंड वाले ने रोड खन दिया
अब रोड कहीं नहीं बनाया और आरसीसी रोड का काम चालू हो गया, उसके घाल मिल में वो सारा पैसा डेनिस लैंड वाला खत्म कर देगा। इसके जिम्मे सवाल जी सर भाई, आपको रुकना चाहूंगा, एक सवाल, भिवंडी नगर पालिका के पानी पुरवठा विभाग के अभियंता एलपी गायकवाड़ और संदीप पटनावर पर आपने कुछ दिन पहले एक आरोप लगाया था इनलीगल नल कनेक्शन का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं इनलीगल कनेक्शन के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि कारपोरेशन जो पटना और गायकवाड़ है, जो उनके और भी इंजीनियर है, मैं सभी के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि जब कोई लाइसेंसी प्लम्बर इनको अर्जी देता है कि यहाँ पे गैर कानूनी कनेक्शन हुआ या फोटो दिया, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। जब लाइसेंसी प्लम्बर अगर काम करेगा तो कॉर्पोरेशन में फंड जमा करता है, खड्डा पावती लेता है, परमिशन पावती लेता है, 2,000, 3,000, 5,000 कॉर्पोरेशन में फंड जमा करता है, वो कॉर्पोरेशन का फायदा करता है। और ये लोग उन फायदा ना होने देने के कारण लाइसेंसी प्लम्बर को काम नहीं करने देते, और जो बोकस प्लम्बर रख के लोग काम करवा रहे हैं, इससे कॉर्पोरेशन का लगभग 20 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया है। हमने इसकी पूरी मालूमात बनाई है, लगभग 1 लाख कनेक्शन इन्होंने गैर कानूनी लगभग है, 19,86,00,000 रुपये का इन्होंने नुकसान किया है कॉर्पोरेशन का। इन सब की मेरी मांग है और इनके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति जांच होनी चाहिए, यहाँ तक कि इनकी डिग्री भी जांच होनी चाहिए, वाकई लोग ने जो पढ़ाई करके आए हैं वो काबिल है या नहीं, या वो पोस्ट पे बैठ सकते या नहीं। अच्छा, अभी तक आपने इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई किया उसमें आपको कितनी सफलता मिली? मुझे अभी तक तो मैं आगे नहीं बढ़ा था कॉर्पोरेशन के तक था, लेकिन जब से मैं 2-3 साल से मंत्रालय और लोक आयुक्त का रुख किया हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे काम में सफलता मिल रही है। अभी देखो, लोक आयुक्त ने इनको बाकायदा हवाल मांगा है, इनसे जवाब मांगा है, लेकिन इनके पास जवाब देने के लिए मेरे ख्याल से जवाब ही नहीं है कि ये जवाब दे सके। बाकायदा इनको 27 मई को लोक आयुक्त ने मेरे को एक पत्र भेजा है कि इनसे हवाल मांगा गया है, लेकिन मैंने जब बात किया लोक आयुक्त में फ़ोन से, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिला, जैसे भी जवाब आएगा तो आपको उसकी कॉपी भेज दिया जाएगा। और 2 नंबर कनेक्शन के ऊपर जब उन्होंने जवाब भेजा तो उसकी मेरे को तुरंत लोक आयुक्त ने इसका जवाब की उनको कॉपी दी, उसमें लिखा हुआ है कि भिवंडी शहर के अंदर इन्होंने एक काम और किया पानी पुरोड़ा के लोगों ने, इसमें बताया है कि जब हमने नलपट्टी के साथ घरपट्टी के साथ नलपट्टी जोड़ दिया तो कॉर्पोरेशन को 105 करोड़ का फायदा हो गया, और जबकि कॉर्पोरेशन मुंबई महानगर पालिका को लगभग 8 करोड़ रुपया देती है साल का। अब बताइए, जिसके घरों में नल नहीं है कॉर्पोरेशन उनसे भी पैसा ले रही है उनका, और कॉर्पोरेशन ने लगभग जो प्राइवेटों में ठेका दिए उसका नुकसान कर रही है, वालमेंट, बोरिंग, नल रिपेयरिंग, ये सारे काम ठेके पे दे के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक काम को 2 पगार दिया जा रहा है, ये सब पटना और गायकवाड़ और नगर सेवक की मिली भगत से हो रहा है। इसके ऊपर मैं सब मांग कर रहा हूँ, लोक आयोग में मैंने बाकायदा जवाब में मांगा है कि इनका लोग टेंडर रद्द किया जाए, इन सब के ऊपर जाँच की जाए। दिलशाद साहब अभी आपने कहा है कि सब इलीगल में नगर सेवक और यहाँ नगर पालिका के एलपी गायकवाड़ अभियंता और संदीप पटनावर साहब सब शामिल है, तो आप लोगों ने या कोई राजनेता जो अनलीगल जैसे कि कनेक्शन नहीं है नल का उसके बाद भी घर पट्टी भरा जा रहा था, क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आपने को ने शिकायत पत्र दाखिल किया? मैं नल पट्टी हमारे अयूब भाई है जो हम उनके साथ में लगे हैं, जो कॉर्पोरेशन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं कि नल पट्टी जो रद्द की जाए, जिनके घरों में नल नहीं है, अब वो अगर नलपट्टी रद्द नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हमने लोक आयुक्त में बाकायदा उसका प्रूफ जोड़ दिया गया है कि बाकायदा यहाँ पे कि लोक आयुक्त में हमने मांगनी की है कि जिनके घरों में नल नहीं है वहाँ पे नल उनका रद्द किया जाए, और ये कानून के तहत भी नहीं है, क्योंकि पहले जो नलपट्टी होती थी उसका हम परमिशन लेते थे, ठीक है, उसका बाकायदा परवाना लेते थे, नलपट्टी अलग से बनती थी क्योंकि हम पानी खरीद रहे कॉर्पोरेशन से, ये हमारे हम उनके वो नहीं है कि जो कुछ भी ला के हमारे पे ठोप देंगे, हम ग्राहक है, हम उनसे पानी खरीदते तो हम उनको पैसा देते हैं, जब हम पानी नहीं खरीद रहे तो हम उनको पैसा क्यों दें। और ये लोगों ने 2011 में लगभग एक सर्वे करवाया था पूरे भिवंडी का कि एक घरपट्टी की जगह 2-2 घरपट्टी ली गई है, और आज एक घरपट्टी के साथ नलपट्टी जोड़ दिया गया, ऊपर नीचे मिला के 2-2 नलपट्टी लिया जा रहा है, और जनता को सड़ेला पानी दिया जा रहा है, जहरीला पानी दिया जा रहा है, जिसका कोई मायने नहीं है पीने का। आज हम मैं पटना और गायकवाड़ से पूछना चाहता हूँ कि हम जनता आज एक डब्बा 30 रुपये का खरीद के पी रहे हैं, तो तुमको हम पानी पट्टी क्यों भरे? और जो लोग अपने बाप के नल के कनेक्शन से पानी पीते हैं तो तुमको नलपट्टी क्यों भरे? इसका जवाब है एक बाजू को अगर पानी देता हो अपने नल से तो तुमको नलपट्टी क्यों भरे?
आखिर तुम चाहते क्या हो, कॉर्पोरेशन में बैठ के भ्रष्टाचार करना? क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि हम कॉर्पोरेशन में बहुत तरक्की कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन को आप लोग ने बर्बाद किया है, कॉर्पोरेशन का नुकसान किया है, जिसके खिलाफ हमारे को हम लोक आयोग के बाद हम हाई कोर्ट में भी जाने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमसे पुरावा मांगा था और सरकारी वकील प्राप्त किया था। तो हमको इंशाल्लाह हो गया, अब हाई कोर्ट भी इंशाल्लाह चालू हो गई है, जल्दी वहाँ भी आगे बढ़ेंगे। तीर्थ भाई, आप हमारे स्टूडियो में